दोस्तों आज की कहानी है छोटी बहू। खाना तो बिल्कुल बेस्वाद बना है, ना नमक है ना मिर्ची है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे मधु, आज तो खाना बहुत स्वाद बना है, मजा आ गया। आज तो खाने में सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। आज तो जब शारदा ने खाना खाते हुए अपनी बहू रम्मा से कहा तो रम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे देखकर उसके ससुर शिवदत्त अपनी पत्नी शारदा से बोले, हाँ जब अपने पर पड़ती है तब तो अकल आ ही जाती है। पहले तो तुम कभी भी इसके हाथ के खाने की प्रशंसा नहीं करती थी, हर दम बुराई करती रहती थी, परंतु जब खुद पर पड़ी तो बुराई करने की आदत छूट गई तुम्हारी। तुम्हें तो बड़ा मजा आता था रम्मा की बुराई करने में। यह सुनकर शारदा झिमपते हुए बोली, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, परंतु क्या करूं, मेरी खराब आदत पड़ गई थी ना, पर मैंने ठान लिया है अब मैं कभी इसकी बुराई नहीं करूंगी। अपनी सास की बात सुनकर मधु अपने सास ससुर को खाना खिलाकर बर्तन साफ करने के लिए रसोई में चली गई थी। बर्तन साफ करते हुए वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगी थी। महीने भर पहले ही उसकी शादी रवि के साथ हुई थी, जो बेहद समझदार और सुलझा हुआ इंसान था और बैंक में मैनेजर की जॉब करता था। उसके ससुर स्कूल में अध्यापक की नौकरी करते थे, जो कुछ समय पहले ही नौकरी से रिटायर हुए थे और घर पर ही रहते थे। बेहद अच्छा व्यवहार था उनका। वह कभी भी किसी के काम की बुराई नहीं करते थे, हर समय सबका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके काम की प्रशंसा करते थे। इसके विपरीत उसकी सास को सिर्फ अपना ही काम अच्छा लगता था, औरों के काम में हमेशा उसे बुराई ही नजर आती थी। रम्मा जब अपनी ससुराल आई तो उसने बड़ी कोशिश की अपनी सास का दिल जीतने की, परंतु बार बार अच्छा करने की कोशिश करने के बाद भी जब उसकी सास उसकी बुराई करती तो उसका दिल टूट जाता था। एक दिन की बात है, रम्मा ने अपनी सास से पूछ कर बड़ी मेहनत से मटर पनीर आलू गोभी मखाने की खीर और मरवे की चटनी बनाई थी, जिसे खाने के बाद उसके ससुर और के पति रवि ने खाने की बहुत प्रशंसा की, परंतु उसकी सास बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, बिल्कुल बेस्वाद खाना बना है, ना नमक है ना मिर्ची है, मुझे तो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यह सुनकर रम्मा का चेहरा उतर गया था। तब उसके ससुर बोले, इतने अच्छे खाने की तुम बुराई
आई। कर रही हो ये गलत बात है, तुम्हें बहू की प्रशंसा करनी चाहिए ताकि बहू के मन में तुम्हारा सम्मान बना रहे। यह सुनकर उसकी सास शारदा बोली, जब खाना बुरा बनेगा तो मैं बुराई तो करूंगी, किसी को बुरा लगे तो लगे। तब सास की बातें सुनकर रमा बेहद दुखी हुई थी। एक दिन रमा ने अपने पापा की लाई हुई प्योर सिल्क की पीली साड़ी पहनी तो उसे देखकर उसके पति रवि बोले, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल माधुरी दीक्षित की तरह। तब अपनी प्रशंसा सुनकर रमा बहुत खुश हुई थी। खुशी खुशी जब वह खाना बनाने के लिए रसोई में आई तो उसकी सास उसे देखकर मुंह बनाकर बोली, कितनी बेकार साड़ी पहनी है, ये रंग तो तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तब सास की बात सुनकर रमा दुखी हो गई थी। उसने मन ही मन ठान लिया था अपनी सास को बुराई की आदत से छुटकारा दिलाने का। एक दिन उसकी सास को अपनी सहेली के यहाँ किसी फंक्शन में जाना था। तब वह बाजार से अपने लिए एक बहुत सुंदर सूट लेकर आई, जिसे पहनकर जब वह तैयार होकर चलने लगी तब उसे देखकर उसके ससुर बोले, ये सूट तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरी लग रही हो तुम ये सूट पहन कर। जब फंक्शन में जाओगी तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। यह सुनकर वह बोली, झूठ बोलते हो आप, ये सूट मैंने बहुत मन से खरीदा है और मुझ पर जस भी रहा है। मैं अभी रमा से पूछती हूँ, देखना वह मेरे सूट की बहुत प्रशंसा करेगी। उसने जब रमा को बुलाकर अपने सूट के बारे में पूछा तो रमा बोली, मम्मी जी वाकई में ये सूट बेहद बुरा लग रहा है आप पर। तब अपनी सूट की बुराई सुनकर उसकी सास का सहरा उतर गया था। ये देखकर उसके ससुर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें बुरा लग रहा है ना अपने सूट की बुराई सुनकर, तुमने बड़े मन से ये सूट खरीदा था परंतु हमारे मुख से इसकी बुराई सुनकर दुख के कारण तुम्हारा सहरा उतर गया। सो जब तुम्हें अपनी बुराई सुनकर दुख हो रहा है तो जब तुम बहू की हर वक्त बुराई करती हो तो बहू को भी तो दुख होता होगा। यह सुनकर उसकी सास बोली, ठीक कहते हो आप, बहुत बुरा लगता है जब अच्छा करने के बाद भी कोई हमारी बुराई करता है। तो मैं आज के बाद कभी भी रम्मा के किसी काम की बुराई नहीं करूंगी। तब वह रम्मा से बोली, माफ कर दो मुझे, आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी बुराई की आदत से छुटकारा पाने का। तब रम्मा बोली, मुझसे माफी मांग कर आप मुझे शर्मिंदा ना करें, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफी है। परंतु एक बात तो
हैं मम्मी जी, आप इस सूट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। आपको बुराई आदत से छुटकारा दिलाने के लिए ही मैंने ऐसा कहा था, क्योंकि हर वक्त बुराई सुनने से मन आहत हो जाता था मेरा। तब उसके ससुर बोले, इसलिए तो मैंने भी ऐसा कहा क्योंकि मुझे दुख होता था जब हर वक्त ये तुम्हारी बुराई करती थी। आज के बाद ये कभी भी तुम्हारी बुराई नहीं करेगी। फिर वह हंसते हुए अपनी पत्नी से बोले, अच्छी लग रही हो तुम इस सूट में, जाओ खुशी खुशी अपनी सहेली के यहाँ फंक्शन में। पति की बात सुनकर शारदा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है जहादा, मस्का मत लगाओ, मुझे पता है तुम जानबूझकर झूठ बोल रहे थे क्योंकि तुम्हें तो आदत ही नहीं थी बुराई करने की। यह सुनकर उसके पति भी मुस्कुराने लगे थे।